हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया था एक्सरसाइज 2.2 का. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी. इट इज रिटन देयर प्रूफ दैट 3 cos इनवर्स x जो है दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू जो है सॉरी cos इनवर्स 4 x क्यूब माइनस 3 x. ओके बेटा, और x बिलोंग्स टू वो दिया हुआ. क्लियर कट मैंने उस दिन पे आपको कल भी बताया था बेटा, ये अगर मैं फॉर्मूला देखूँ अगर x की जगह पे cos आ जाए ना तो 4 cos क्यूब x या थीटा माइनस 3 cos थीटा 100% वो cos 3 थीटा के इक्वल होता है. फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड. और इधर भी देखा करो दूसरी साइड पे, अगर सिंप्लीफाई कोई टर्म है तो हम उसी को लेट करके कर लेते, आराम से क्वेश्चन हो जाता. तो हम लेट करते हैं cos इनवर्स x को, ठीक है. तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है जी. cos इनवर्स ये cos 3 थीटा, cos इनवर्स और थीटा कैंसिल हो जाता है, क्या बचा बेटा 3 थीटा. अब थीटा की वैल्यू क्या थी, cos इनवर्स दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ना बेटा. ओके क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं. एनी डाउट टू एनीवन, ठीक है बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3. ओके लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3. हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वेरी इजी टू जज कि कौन सा फॉर्मूला लगना है. प्रूफ दैट टैन इनवर्स 2/11 प्लस जो है मेरे पास टैन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/2. मैंने तो ये आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, वेरी इजी टू डू दिस क्वेश्चन बेटा, कि जब भी टैन इनवर्स का आए ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. हमने क्या करना है, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे. तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडेंटिटी होती है, टैन इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x y. हमने एग्जांपल में भी यूज किया था ना, तो इसी को यूटिलाइज करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 ओवर 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24. ओके बेटा, नाउ क्या करें, सॉल्विंग कर लें इसको. टैन इनवर्स जो है 11 और 24 दोनों जो है को प्राइम नंबर नहीं है तो हम सॉरी को प्राइम नंबर है तो सिंपल एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो दैट मीन्स 264 मेरे पास जो है. और करेंगे तो 24 इंटू 2 48 और उधर से 11 77 ओवर जो है मेरे पास 264 माइनस 14 ओवर 264. इट विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल. अब मेरे पास क्या टर्म बचेगी बेटा, देखिए टैन इनवर्स जो है इनको प्लस करें 15 और वो बन जाएगा 125 और डिनोमिनेटर में 264 में से 14 माइनस किए तो 250. अब इसकी कटिंग कर दीजिए, क्लियर कट है ये 1/2 आया, टैन इनवर्स 1/2 और यही प्रूफ करना था ना बेटा. ओके जी, दैट इज इक्वल टू मेरे पास जो है यहाँ पर हम LHS लेके चले थे और प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल टू LHS. ओके जी क्लियर, सेम क्वेश्चन मेरे पास हो गया आगे भी है बट देयर इज अ डिफरेंस. ओके, वेरी लिटिल डिफरेंस इन क्वेश्चन नंबर 4th एंड 3rd. लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन यू कैन रेज योर हैंड. ओके क्लियर, तो
मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सबसे बड़ी बात है मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। और ये हर क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में आया हुआ है, कभी ना कभी आया हुआ है, कोई नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन इज देयर जो कभी नहीं आया हुआ। ओके, टू टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/7 दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स 11/17। ओके, अब बेटा दो मैट्रिक्स से हम कर सकते हैं, एक ये टू टैन इनवर्स एक्स को मैं ब्रेक कर दूंगा, टैन इनवर्स 1/2 प्लस टैन इनवर्स 1/2, और पहले इस पे फॉर्मूला लगा दो, जो आंसर आए उसको इस पे लगा दो, बार ऐसे करना पड़ेगा तो लेंथी हो जाता ना, उससे बेटर जो है आपकी मर्जी है। मैं बार बार कह रही हूँ ये कोई नहीं है कि हाँ भी लेंथी हो जाएगा, कैसे करेंगे हम, वैसे भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली में इस टू को एडजस्ट कर, ठीक है। तो इस टू को एडजस्ट करने के लिए कल मैंने आप लोगों को टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला करवाया था, मैं फिर बता रही हूँ, टू टैन इनवर्स का हमने फॉर्मूला किया था। बता सकती हो आप में से कौन कोई कि हमने कौन सा फॉर्मूला किया टू टैन इनवर्स एक्स का, मैं बताऊँ फिर, चलिए लेट अस सी। हाँ जी, टू टैन इनवर्स एक्स का इस टू को एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला जो कल बताया था, दैट इज टैन इनवर्स मेरे पास 2x/1 x। हम क्यों ना सिंगल यही लगाने, यहाँ पे जो पहले मेथड बताया वो भी करेक्ट है, गलत नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें। तो अब बेटा अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज टैन इनवर्स 2x यानी 2 × 1/2 ओवर 1 − x² यानी 1/4 प्लस ये टैन इनवर्स 1/7 एज इट इज, मैंने लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूलाज मेंशन जो भी आप यूज करें। अब ये 2 और 2 कट गया, मेरे पास हो गए टैन इनवर्स 1, यहाँ से लिया ये 4 ऊपर चला गया, ठीक है, और 4 − 1 डिनोमिनेटर में 3 प्लस टैन इनवर्स 1/7। अब लगा सकते हो फिर ना, सेम पिछले वाला फॉर्मूला बन गया ना, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी। आप ये नहीं कह सकते ना कि मैम इसको लर्न ही ना करें कि चलो उसको फिर, कहीं ना कहीं तो ये फॉर्मूला लगेगा ही ना, तो आपको लर्न तो बेटा करना ही पड़ेगा। ओके, आगे यूज जब हम करेंगे तो टैन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, ठीक है, विजिबल नहीं होगा आपको तो मैं ऊपर कर देती हूँ, जस्ट वे मेरे पास, लेट अस डू ऑन दिस साइड। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 ओवर मेरे पास हो गए सारा टर्म के साथ ये 1 − 4/3 × 1/7। ओके, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर, क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को, चलिए आगे बेटा, एनी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू गए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर मेरे पास टू गए फिफ्थ अगेन उसने कहा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने आगे भी आपको ये बात बताई थी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कुछ लॉजिक अपने माइंड में रखने पड़ते हैं, ठीक है, लेट अस सी कि इसमें क्या लॉजिक रखते हैं। देखिए टैन इनवर्स मेरे पास रूट 1 + x² − 1 / x, ये टर्म है मेरे पास। अब बेटा क्लियर कट है, मैं आपको कल भी ये बात बताई थी, अगर रूट 1 − x² हो ना, या तो हम x को cos x पुट करते हैं या बेटा हम sin x पुट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि राइट हैंड साइड पे या बाहर क्या, या है प्लस
जब 1 + x² के साथ रूट होना, तो x को यहाँ हम tan थीटा ले लीजिए, बेटर है, x ऑलरेडी है, tan थीटा पुट करते हैं या cot थीटा पुट करते हैं, ये कट बाहर tan इनवर्स है ना, तो मैं किसको प्रेफरेंस करूँ पुट करने के, ऑब्वियस है कि मैं tan थीटा को ही पुट करूँ, इसीलिए ये चीजें आपको थोड़े से लॉजिक बता दें, क्योंकि कभी भी 1 - x² होना तो आप tan नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 - tan² की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, 1 + tan² की होती है, 1 + cot² की होती है, ठीक है, चलिए तो लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन, ये हमें क्लियर हो गया कि हमने पुट क्या करना, तो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, ओके बेटा, जब मैंने x को tan थीटा पुट किया तो मेरे पास सिंपलीफाई हो गया, देखिए ये क्या बना, 1 + tan² θ - 1/tan θ, ओके, तो मेरे पास बेटा tan इनवर्स ये कितना हो गया, 1 + tan² θ, sec² θ मेरे पास, तो अंडर रूट था तो sec θ - 1/tan θ, अभी भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा, सिंगल टर्म tan की फॉर्म में थी, ताकि tan इनवर्स और tan क्या हो जाए, कैंसल हो जाए मेरे पास, तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर, व्हाट आई हैव टू डू, मैं sec को cos में, tan को sin/cos में चेंज करूँ, तो बेटा मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि tan इनवर्स, अब मेरे पास हो गए यहाँ पर क्या चीज आएगी, अगर हम देखें तो व्हाट आई विल गेट हियर, दैट इज 1 cos θ - 1 sin θ / cos θ, ओके बेटा, तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स एलसीएम ले रहे हैं, 1 - cos θ, ये न्यूमिनेटर वाला cos θ और इधर डिनोमिनेटर वाला cos θ कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास ये बेटा, ठीक है बेटा, अब आगे हम क्या करें, मैं बार बार स्टूडेंट को यही कहती हूँ, हमने प्लस वन में भी यही बात की थी, जब भी 1 - cos θ हो तो 2 sin² हाफ ऑफ द एंगल होता है, ये चीजें प्लस वन में ही हमने की हुई है, tan इनवर्स कि जब भी 1 - cos θ हो तो 2 sin² हाफ ऑफ द एंगल लगता है, और 1 + cos θ हो तो 2 cos² हाफ ऑफ द, ओके, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा क्या आएगा, अगर हम देखें तो आई विल गेट हियर 2 sin² हाफ, अगर ऊपर हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूँ तो नीचे भी करना पड़ेगा ना बेटा मुझे, तो मेरे पास 2 sin ½ cos ½, 2 कैंसिल, दिस कैंसिल, tan इनवर्स sin/cos, दैट इज tan हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या आएगी, tan इनवर्स x, ये सिंप्लीफाई, देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी, हमको कितना सिंप्लीफाई, क्लियर बेटा, एनी डाउट टू एनी वन, मैं बार बार कहती हूँ बेटा पूछा कीजिए, अदरवाइज डाउट ही रह जाएगा, मुझे पता है इसमें प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आता है प्लीज आस्क मी कि मैम ये कैसे बना, चलिए बेटा आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मेरे पास, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा मेरे पास हो गए अगेन उन्होंने सिंप्लीफाई करने को कहा या रिड्यूस कहा कुछ भी लिख दिया है ना, तो मेरे पास जो है उसने कहा cot इनवर्स को सिंप्लीफाई करिए, अब फिर कोई बात होती है क्या पुट करें, कैसे पुट करें,
टीयर कटता है बेटा। देखिए ये आंसर टैन बनेगा ना, तभी वन बाय टैन कॉट बनेगा। देखिए और दूसरी बात, वैसे भी आपको पता है वन प्लस टैन स्केयर थीटा सीकेंट स्केयर थीटा के इक्वल होता है, तो ये सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन टैन स्केयर के इक्वल होता है। ऐसे ही कॉट भी होता है कि वन प्लस कॉट स्केयर थीटा तो सीकेंट स्केयर थीटा के इक्वल होता है, तो कोसेकेंट स्केयर थीटा माइनस वन, क्योंकि यहाँ वन माइनस नहीं है कि साइन या कॉस वाली आइडेंटिटी लगती है, वो तो क्रॉस ही होगी ना सीधा। तो रहा तो मेरे पास इन दोनों में से नहीं, तो इन दोनों में से कौन सी लगनी है, ये वाली कि ये वाली? मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, क्योंकि न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है, वन है। तो बाहर अगर कॉट इनवर्स है, अंदर कॉट बनाने के लिए मुझे वन बाय टेन चाहिए। तो यहां से मुझे पता चला कि मैं x को secant square theta minus 1 पुट करूं तभी ये tan theta बनेगा। ओके जी, क्लियर बेटा? तो यहां पर मैंने क्या किया, आई पुट x as secant theta, तो therefore cot inverse 1 over under root secant square theta minus 1। अब मेरे पास क्या आया, cot inverse 1 over secant square theta minus 1 क्या होता है, tan square theta, और under root है तो वो tan theta बन गए। और मेरे पास cot inverse ये क्या बन गया, cot theta, और आंसर क्या बचा, theta, और theta क्या दिया था भले secant inverse x। ओके जी, क्लियर? अच्छा चलो नेक्स्ट में आप मुझे बताइए व्हाट टू पुट। बिल्कुल सेम है, कोई है ही नहीं चेंजेस में, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने tan इनवर्स दिया सेकंड पार्ट में। हु विल टेल मी व्हाट टू पुट हियर, जल्दी बताइए यहाँ क्या पुट किया। हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम यू जस्ट रेज योर हैंड और टेल मी कि मैम ये सब्स्टिट्यूशन को। हाँ जी सारांश, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी बेटा। सारांश ओके ओके, तेग वीर वांट टू टेल, ओके दैट्स गुड, यस तेग वीर, ओके सुहानी इज देयर, यस सुहानी बेटा कीजिए अनम्यूट बेटा। secant theta cosecant, yes yes बिल्कुल करेक्ट बेटा, cosecant जो है theta पुट करें, बिल्कुल 100% करेक्ट है। क्यों, रीजन ये है क्योंकि यहाँ cot आएगा तो 1 by cot वो tan बचेगा, बिल्कुल जो है फर्स्ट पार्ट की तरह है जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके क्लियर बेटा, चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा देखिए मेरे पास क्या है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स मेरे पास होंगे अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस जो है x है नॉट थीटा cos x और x is less than y, वो that is the condition given to you। आगे भी अभी मैंने आपको recently बताया था कि अगर 1 minus cos theta हो तो उसकी जगह क्या put करते हैं। हाँ जी any student, लक्ष्य बेटा, yes ma'am, मैम यहाँ पे 2 sin square x by 2 लिखते हैं, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, यू लेफ्ट विद ओनली साइन एक्स बाय टू ओवर कॉस एक्स बाय टू,
और आपको बताया वो tan x by 2 होता है, tan inverse and tan will cancel, you left with the only x by 2. Okay? Clear बेटा? कोई doubt तो नहीं आपको? Next question जो है, और ये question बहुत बार ये integration में भी use होगा बेटा concept, ये derivative में भी use होता है concept, तो ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए. Okay? तो लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ये भी जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार जब भी ऐसा आता है तो इसका मेथड एक ही है ना. आपको क्या दिया हुआ है, cos x minus sin x over cos x plus sin x, और here it is given कि x less than pi by 2. ठीक है, अब बेटा देखिए, जब भी cos x minus sin x, cos x plus sin x है ना, always divide numerator and denominator by cos x. Reason, अपने आप अंदर 45 plus theta या 45 minus theta वाला formula बन जाएगा. यहाँ पर 1 बन जाएगा जब cos से किया, minus sin by cos tan x हो गया, over 1 plus tan x हो गया. ये आइडेंटिटी आपने की हुई है. क्या होता है इसका, tan इनवर्स मेरे पास हो गए pi by 4 minus x, और साथ में tan the value, tan pi by 4 minus x. अल्टीमेट एम तो यही है ना, tan इनवर्स tan ऐसे बनने चाहिए, ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा मेरे पास, pi by 4 minus, सिंपलीफाई तो हुआ ना, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, उसके बिना भी सिंपलीफाई हो गई. ओके बेटा, क्लियर? चले आई नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा आगे. किसी को कोई डाउट बेटा, एनी डाउट? काक्षी इज इट क्लियर टू यू? काक्षी इज इट क्लियर टू यू? ओके नेक्स्ट. ओके ओके काक्षी, नाउ हाँ जी नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन, अपने आप ही ये मतलब ये एक्सरसाइज इतनी इजी है कि आपको खुद को ही पता चलेगा कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना, कैसे करना. अब देखिए, tan इनवर्स x ओवर अंडर रूट मेरे पास जो है क्या बना मेरे पास, दैट इज दैट दिस इज गिवन टू अस x ओवर अंडर रूट a माइनस x स्क्वायर, और प्रूफ करना है साइन इनवर्स x बाय a. मैं आपको क्लियर कट कहती हूँ, जो उधर राइट साइड पे सिंपलीफाइड टर्म होते हैं ना, 99% ऑफ उसी को पुट करके एडजस्ट करते हैं, ये भी a. तो क्या करें, लेट कर लें साइन इनवर्स एक्स बाई ए को थीटा, लेट कर लो, दिस इम्प्लाइज एक्स बाई ए की वैल्यू साइन थीटा आई और एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा आई. अच्छा अगर ये नहीं भी दिया होता आपको सिंप्लीफाई करने को गए तब भी बेटा देखो, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 100% ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात है. हम साइन या कॉस कुछ भी पुट कर सकते, बट क्योंकि यहाँ साइन दिया था तो मुझे साइन ही पुट करना था. ठीक है, आप सीधा भी ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं ये तीन स्टेप्स करने, ये तो आपको समझाने के लिए कि मुझे कैसे पता था. ठीक है बेटा, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो गया, अब मेरे पास यहाँ पर देखिए मैं यूज करूँ, तो मेरे पास tan इनवर्स x की प्लेस में a sin theta over under root a square minus मेरे पास हो गए a square sin square theta. ओके, tan इनवर्स मेरे पास a sin theta over a square common तो a under root 1 minus sin square theta, तो सीधे क्या हो जाता है cos square theta, और क्या बचेगा cos theta,
कैंसिल, टेन इनवर्स टेन थीटा, और क्या आ गया आगे मेरे पास, थीटा, और थीटा क्या माना था, अपने आप बन जाता बेटा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई है ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम है, ओके। अब टेंथ क्वेश्चन आपका होगा, क्लियर कट आपको राइट हैंड साइड से पता चलेगा कि क्या करना है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन इज वो है, चलो अब मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ आप लोगों को, इलेवेंथ, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, आई एम रबिंग दिस वे, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ देखिए मेरे पास, क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, अब क्वेश्चन नंबर 11th में मेरे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है टैन इनवर्स 2 cos थीटा 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया होगा, हमेशा अंदर से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, आपको पता है कि 1/2 पाई बाय 6 होता है ना 30 पे, तो इतने की जगह सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 6, ओके, ये कट गया, कितना आया पाई बाय 3, ऐसे क्वेश्चन 2 में 1 में आते ही आते हैं, ओके। तो मेरे पास हो गए यहाँ cos पाई बाय 6, पाई बाय 3 सॉरी, है ना 60 हो गया, और cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है, ये लीजिए कैंसिल, cos इनवर्स 1 हमें पता है कितना होता है 1/2, ओके जी। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए भी बहुत बार, चलिए अब आप बताओगे आपने से, ये ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल करवा चुकी हूँ, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, बताइए एनीबडी फ्रॉम यू, जल्दी जल्दी मुझे नाम लेने की जरूरत ना पड़े, आप खुद बता सकते हो कि मैम ऐसे करना है ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए। हाँ जी मैं पूछूँ फिर, ओके तेगवीर, यस बेटा तेगवीर बताइए, 5/2 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जो tan इनवर्स, हां जी 100% tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a जो है वो मेरे पास 5/2 होता है और cot 5/2 आंसर 0 होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना, 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हमारे पास पेपर में आते ही आते हैं, चलिए तो अब हम वो करते हैं क्वेश्चंस हमारे पास जो है, लेट अस डू दीस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा मेरे पास दिया हुआ प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूफ दैट टैन 1/2 साइन इनवर्स 2x over 1 plus x square plus cot inverse 1 cos inverse 1 minus y square over 1 plus y square, मुझे प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू x plus y over जो है 1 minus x y, यस तेजवीर यू वांट टू से एनीथिंग, नहीं मैम गलती से हो गया, ओके जी। नेक्स्ट बेटा कौन स्टूडेंट बताएगा, कुछ देख के आपको पता चल रहा है, एनीथिंग इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन, हाँ जी सारांश, ओके लक्षित वांट, यस लक्षित बोलिए बेटा, मैम वो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे 100%, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, 2 tan इनवर्स x का लग रहा है, बिल्कुल जी, ये पूरा sin इनवर्स 2x ओवर 1 plus x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, सेम यहाँ पर मेरे पास जो है यहाँ पर भी 1/2 था बेटा, तो 1/2
इनटू टू टैन इनवर्स एक्स का हो गया, और दिस टू एंड दिस टू विल कैंसिल, दिस टू एंड दिस टू विल कैंसिल, मेरे पास टैन बेटा। अब आपकी मर्जी, आप जैसे सब्स्टिट्यूशन जैसे मर्जी कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पास। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको फॉर्मूला आता, तो मेरे पास क्या बना, tan tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x, tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा x प्लस y ओवर 1 माइनस x। आंसर आ गया, यही चाहिए था। साइड पे फॉर्मूला जरूर मेंशन करना, मैं बार बार कहती हूँ। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे पास वो है बेटा, क्या है, साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। तो वो कहते हैं कि x की वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए बेटा, कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं, एनीबडी फ्रॉम यू? ओके सुहानी, यस बेटा बताइए। cos inverse x को लिख देंगे 90 minus sin inverse। ओके, cos inverse x को आप कह रहे हो pi by 2 minus sin inverse x, उसका बेटा x तो रहा ही, आप बहुत करेक्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। उसके बाद आप साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b लगाओगे, है ना, तो लेंथी हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ, अगर मैं इस साइन को मैं उधर ले जाऊँ तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है ना, और इधर टर्म है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपने ये आइडेंटिटी की है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ही पाई बाय 2 होते हैं, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो है x की वैल्यू 1/5 ही है, स्वामी का गलत नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंगली कि उसमें स्टेप ज्यादा हूँ, अदरवाइज करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए पिछले क्वेश्चंस और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, नॉर्मली बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं पेपर में। यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपने एक्स कैलकुलेट करना है। सॉल्व भी आ जाता कई बार, सॉल्व एक है, प्रूफ दैट एक होता है, सॉल्व सॉल्व मतलब अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 में सॉल्व करने को कहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करने को नहीं कहा बेटा। तो हम यहाँ पर बेटा देखें, आपके पास साइन टैन इनवर्स एक्स माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस टैन इनवर्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। मुझे x निकालना है, तो बेटा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टैन इनवर्स ये पूरा x ये पूरा y ट्रीट करके फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, तो मेरे पास टैन इनवर्स a या x आप मान रहे हो प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y। ओके जी, अब इसको ओपन कीजिए, मेरे पास tan इनवर्स x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 ओ साथ में प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म भी आनी है ना, लेट अस शो यू द डिनोमिनेटर टर्म। ओके, तो
तो मेरे पास बेटा डिनोमिनेटर टर्म में क्या आएगा, x माइनस टू, x प्लस टू माइनस x माइनस वन, x प्लस वन ओवर x माइनस टू, x प्लस टू. ओके, अब दिस टर्म विल कैंसिल विद दिस. ओके, अब ये जब टर्म बेटा कैंसिल हो जाती है तो मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके मैं आपको इस साइड पे दिखा देती हूँ कि मेरे पास टर्म क्या बचे. लेट अस सी, कटिंग भी कर रही हूँ मैं. देखिए जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर बना, इधर भी एक्स स्क्वायर बना. ठीक है, तो मैं सीधा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, मैं सीधा लिख रही हूँ कि मेरे पास टर्म क्या बच रही है. दैट इज टू एक्स स्क्वायर. ओके, और इधर से मेरे पास आएगा माइनस एक्स, और उधर से मेरे पास जो है इधर से प्लस एक्स, माइनस एक्स कैंसल हो जाएगा. ठीक है, इधर से माइनस टू, इधर से भी माइनस टू, तो माइनस फोर सिर्फ बचेगा. ओके, अब डिनोमिनेटर में देखें तो 100% यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर कैंसल, कितना बचा माइनस थ्री, ये टर्म बचे मेरे पास राइट कैंसल. दूसरी तरफ क्या चल रही थी, पाई बाय फोर चल रहा था. That means, अब मैं ये सारा रब करने लगी हूँ बेटा, तो मेरे पास दूसरी साइड पे what is left here, that is pi by 4. Okay. तो अब बेटा क्लियर कट है, मैं pi by 4 को tan इनवर्स 1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना. तो अब ये tan इनवर्स x है, ये equal to tan इनवर्स y है, तो बेटा मैं इक्वेट कर लूँ. जब मैंने इक्वेट किया तो 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर माइनस 3 इक्वल टू 1. अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. एक चीज याद रखना, हमें तो आंसर ही याद है ना इस क्वेश्चन का, कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आएगी या √3 आएगी, जो भी है. ऑलवेज चेक द आंसर इन द स्टेटमेंट. आप स्टेटमेंट में पुट करके चेक करोगे क्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं. कई बार एक रिजेक्ट हो जाए, दोनों चेक कर लेंगे.